डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, तमिलनाडु के उत्पादों को जीआई टैग। हाल ही में तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। ये उत्पाद हैं जदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटिकेला, जेदी बुट्टा साड़ी। इसके अलावा पूरे भारत से 7 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया। इसमें शामिल है आगरा के चमड़े के जूते, राजस्थान की नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग, कश्मीर का मुश्क बुद्धजी चावल, बिहार का मार्चा चावल, जम्मू कश्मीर का राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, गोवा का अगसेची वेइंगिम अगासेम बैंगन और गोवा की सब्जी फसल सत शिरो भेनो या सत शिरांचो भेंदो, जिसे ओकरा भी कहा जाता है। तमिलनाडु के इन 3 प्रसिद्ध उत्पादों की बात करें तो इसमें शामिल जदेरी नमकट्टी मिट्टी की छड़े हैं जो सफेद रंग की होती हैं। ये आमतौर पर चिकनी बनावट के साथ उंगली जैसी आकृति में होती हैं। नमकट्टी जलीय सिलिकेट खनिजों के समृद्ध भंडार से बना है जो मिट्टी के बारीक कणों का निर्माण करता है। नमकट्टी का उत्पादन जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है क्योंकि इसे सूखने के लिए बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है। जदेरी या जदेरी तिरुवन्नामलाई जिले का एक छोटा सा गांव है। वहीं बात करें कन्याकुमारी मैटिकेला की तो ये ज्यादातर कन्याकुमारी के अगाथीस्वरम, थोवलाई, तिरुवत्तार इलाकों में उगाया जाता है। ये एक औषधीय महत्व की पारंपरिक केले की खेती है। इसका फल अत्यधिक सुगंधित, उप अम्ल स्वाद के साथ मीठा, दृढ़ बनावट और पाउडर प्रकृति वाला होता है। ये मगरमच्छ के मुंह जैसा दिखता है, इसलिए इसे क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहा जाता है। वहीं चेदी बुट्टा साड़ी की बात करें तो ये एक हथकरघा साड़ी है जो कला रेशम और सूती मिश्रण कपड़े में चेदी बुट्टा डिजाइन को दर्शाती है। दरअसल चेदी बुट्टा नाम 2 तमिल शब्दों चेदी यानी पौधा और बुट्टा यानी दोहराया गया रूपांकन या डिजाइन से मिलकर बना है। इस साड़ी में बॉर्डर और पल्लू पर प्रतिष्ठित पौधे और फूल की आकृति बुनी होती है। फूल, पौधे का डिजाइन या चेदी बुट्टा इस साड़ी की आंतरिक विशेषता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। चेदी बुट्टा डिजाइन चमकीले रंग के सूती धागे का उपयोग करके बनाया जाता है। ये साड़ियाँ तिरुनेलवेली के वीरवनल्लूर के कुशल बुनकरों द्वारा बुनी जाती हैं। सौराष्ट्र समुदाय साड़ी के प्राथमिक बुनकर हैं।